Hey there, I'm Dr. Gargi Singh and today I'll share this small piece of information with you regarding your NEET exam. And that is, कैसे decide करते हैं जब किसी दो candidate के marks same होते हैं कि किसका rank ऊपर जाना चाहिए किसका rank नीचे जाना चाहिए, because ultimately it's your rank that decides कि आपको कौन से college में admission मिलेगा, right? Okay, so as per the rules and regulations, there are four policies which will be enforced during a tie-breaking situation. Number one is the candidate who have scored more marks in biology will be given preference. उसको ज़्यादा अच्छा rank मिलेगा. Second is जिसने chemistry में ज़्यादा अच्छा score करा उसको ज़्यादा अच्छा rank मिलेगा. Third is the candidate with the least number of incorrect answers is ranked higher. जिसका negative marking कम हुआ उसको हम ज़्यादा अच्छा rank देंगे. And the fourth one is जिसका एज ज़्यादा है उसको प्रायोरिटी मिलेगा. जैसे कि लास्ट टाइम हुआ था 720 मार्क्स आए थे दो स्टूडेंट्स के लिए, बट जिसका एज ज़्यादा था शोएब का उसको रैंक वन मिला था एंड आकांक्षा का रैंक दो हो गया था. सो देयर यू गो, दीज आर योर फोर पॉलिसीज जो हेल्प करते हैं आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग. अगर सेम मार्क्स आ गए तो डिसाइड करते हैं आपका रैंक, किसका रैंक ज़्यादा होगा किसका रैंक कम होगा. ऑल राइट, ऑल द बेस्ट एंड आई विल सी यू इन द क्लासेज.